एक इमरजेंसी है। इंडियन डिप्लोमेट का बेटा किडनैप हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों जांच ले लो।
एफआईआर पुलिस के मुताबिक भारतीय आईटी मोगल मित्र आदि नारायण राव की पत्नी सरिता राव ने खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक उनका 10 साल का बेटा किडनैप हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से बच्चे की मौत हो गई और इस सदमे को सरिता राव बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। पिछले 6 महीनों से हाई प्रोफाइल किडनैपिंग काफी बढ़ गई है। इससे दुबई के शाही घरानों में दहशत का माहौल छा गया है। बेबी इनफ। पूरी दुबई की पुलिस किडनैपर्स को पकड़ने के लिए दिन रात जुटी हुई है। चलो फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। इट्स डन विक्रम, इट्स ओवर। नहीं नहीं प्रिया, कल कोई और किसी जगह पर बॉम्ब लगाएगा, प्लेन या ट्रेन हाईजैक करेगा जिसमें बच्चे भी होंगे। ये कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा प्रिया, चलता रहेगा। इट्स ऑल राइट, वी गेट थ्रू दिस। मैं डॉक्टर या से अपॉइंटमेंट ले लूंगा, वी विल गेट हेल्प। कभी नहीं रुकेगा। आज जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। टुडे वाज जस्ट नॉट योर डे, दैट्स इट। मेरा दिन खराब था, आज मेरा दिन खराब था। हाँ मेरा दिन खराब था। सही वक्त पर कर्नल नहीं आते तो वो बच्चे को भी मार देते। कर्नल बच्चे को अपने घर ले गए। उसे अपने बेटे की तरह पाला। अरे विक्रम रुको, अभी बताती We'll be right back.
विक्रम, अगर तुम मुझे अपने साथ... मैंने मौत को करीब से देखा है प्रिया, तुम्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कभी नहीं रुकेगा। अगर हमें ये सब रोकना है तो अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना होगा।
मैं नहीं चाहता तुम अशोक से शादी करो। क्यों? नायर कंपनी ने इतना घटिया गोला बारूद दिया था जिस वजह से हमारे कई जवान शहीद हो गए। उनके सीने में दिल नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। पापा, आप सीना नायर कंपनी की बात कर रहे हैं, अशोक नायर कंपनी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अनु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अशोक पहले से ही शादीशुदा है, उम्र में वो तुमसे 13 साल बड़ा है। उसकी बीवी मर चुकी है डैड, उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अगर वो मुझसे 13 साल बड़ा भी है तो क्या हुआ, वो मुझसे प्यार करता है। अनु, तुम्हें डैड की बात सुन। विकी, ये मेरे और डैड के बीच की बात है, स्टे आउट ऑफ दिस। अनु, अपनी जबान पर लगाम दो। अगर तुम्हें अशोक से ही शादी करनी है तो इस घर में कभी कदम मत रखना। मैं अशोक से ही शादी करूंगी और जीते जी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। अनु, दिस इज विक्रम हियर। पापा बहुत सीरियस है, वो मिलना चाहते हैं। विक्रम, 10 साल हो गए अनु को देखे हुए, मुझे उसकी फिक्र सताती है। वो ठीक है पापा, उसने तुम्हें फोन किया था, मुझे पता है वो नहीं करेगी। वो भी बचपन से ही मेरी तरह सिद्धि है, बड़े भाई होने के नाते उससे वादा करो बेटा कि तुम उसे अच्छी तरह ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ। पापा, पापा, तुम और तुम्हारी बेटी जिंदा रहना चाहते हो,
तो सब कुछ छोड़कर निकल जाओ। मुझे पहले भी इस तरह की धमकियां मिली है, लेकिन कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से करीब 12:30 बजे होंगे। रामू काका, तुम पीछे वाले गेट पर जाओ और तुम उस तरफ चेक करो। सिक्योरिटी? यस मैम। क्या हुआ? कोई दीवार से कूदकर अंदर आया है, उसे ढूंढ रहे हैं। अब अंदर ये बाहर मत आइए और अपना दरवाजा बंद रखिएगा। बहादुर, बहादुर। छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो ये गोली जो टेबल पर मिली थी तुम्हारी बेटी की खोपड़ी में मिलेगी। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई घर में घुस गया, उसके कमरे में ये बुलेट छोड़ गया और वो बुलेट देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने फौरन पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने 2 दिन में उसे पकड़ लिया। मार खाने के बाद ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। और वो कोई और नहीं, हमारा सिक्योरिटी हेड विजय ही था। आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह तक हम इस बात का पता लगा लेंगे कि ये सब के पीछे किसका हाथ है मैडम। लेकिन अगली सुबह किसी ने उसकी जान ली। मैं अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं कर सकती, ना ही पुलिस वालों पर। मैं भरोसा करूं तो किस पर विक्रम? तुम्हारे अलावा। मैंने तुम्हें जरूरत के वक्त अनु, वी आर फैमिली, अदिति और तुम मेरी जिम्मेदारी। I'm sorry विक्रम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो सब भूल जाओ, तुम्हें किसी पे शक है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी कंट्री में? अदिति, ये है विक्रम। विक्रम तुम्हारे तुम्हारा पर्सनल सिक्योरिटी। कौन? क्या सिक्योरिटी किस लिए? अदिति, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, समझो। सेफ्टी वेफ्टी सब झूठ है। मैं जानती हूँ इसे जासूसी के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी, मेरा फैसला है फाइनल। आप कल ही आई, आते ही मुझे हॉस्टल से निकाल दिया, अब इसके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ? अदिति, खुद तो दुनिया घूम रही हो और मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मैंने हॉस्टल से वापस नहीं बुलाया है तुम्हें, उन्होंने तुम्हें वापस भेजा है तुम्हारी नस्लों की वजह से। व्हाटएवर, कभी वक्त पे स्कूल नहीं जाती, टीचर्स को धमकाती हो, होमवर्क नहीं करती हो, अपने साथ अपने दोस्तों को भी बिगाड़ रही हो। तुम्हारी प्रिंसिपल 2 दिन के लिए क्या गई, तुमने स्कूल को क्लब बना दिया, लड़कों के साथ पार्टी, शराब और सिगरेट। कहाँ से सीखा ये सब कुछ? मॉमी मेरी जिंदगी है और तुम मेरी बेटी हो, पहले अच्छी माँ बनी। जबान संभाल के अदिति, यही सब करके पंकज ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और तुम भी उसी राह पर हो। मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ, सो चिल। नो, कुछ नहीं जानती। जब जिंदगी हाथ से छूटने लगती है और मौत करीब होती है और हम जीना चाहते हैं, तब समझ आएगी तुम्हें कि मेरी माँ सही थी। तो ये है तुम्हारी बात जी। तुम मर गई है, फायर है, फायर। अनु, एस्टेट में कुछ चेंजेस करने पड़े। तुम्हें जैसा ठीक लगे तो वैसा करो। आइए सर, ये अनु मेम साहब का कमरा है, ये वाला अदिति का कमरा है। अनु मैम सब यहाँ कभी कभी आती है, आज मुझे सफाई में ज्यादा वक्त लगा। मुझे कुछ ऐसे आदमी चाहिए प्रिया, जो भरोसेमंद हो। साजिद? या साजिद, ठीक है। साजिद, गुड मॉर्निंग सर। Good to have you, Sajid. मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मैं तो सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला कर चुका हूँ। लेकिन मैंने अशोक से वादा किया था कि मैं अदिति को पढ़ा लिखा कर नायर भूत को एक सही और मामले बारे। तुमने सही किया,
डर में नहीं जीना चाहिए। सब अच्छा हो, मैं ध्यान रखूंगा। अब तुम आ गए हो तो मुझे अदिति की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। बॉयज मूव। उन्होंने दूसरी शादी की साहब। जब दूसरी पत्नी ने झगड़े शुरू कर दिए तो उन्होंने सीरा नायर नाम से एक नई कंपनी खोल ली, और जब अचानक उनका देहांत हो गया तो उसने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए उनकी पहली पत्नी को कोर्ट में घसीटा। कोर्ट में केस चल ही रहा था कि उनकी पहली पत्नी चल बसी। 6 महीने बाद अशोक साहब के पिता भी एक हादसे में गुजर गए। हर किसी का मानना था कि ये कत्ल हुआ है और सबके पीछे सीरा नायर कंपनी का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बाद में अशोक सर रूस से लौटे तो वो बहुत बीमार हो गए। लोग कहते हैं इसके जिम्मेदार सिद्धांत साहब हैं, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। सिद्धांत कौन है? वो एक अनु अदिति कैसी है? बहुत बदमाश है। I know. मैंने तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट भेजी है, देखी तुमने? उन्हीं का बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। ये सभी अच्छे लोग हैं विकी। तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं। उनमें से कितने वफादार है ये मैं देखता हूँ। 70% लोग हमारे फेवर में हैं, लेकिन बहुत से हैं जो सिर्फ मेजोरिटी देखते हैं। अनु मैं बाद में फोन करता हूँ। गाड़ी निकालो। कहाँ जा रही हो? क्लबिंग। आज मंडे।
और कल ट्यूसडे है। सवाल मत करो, गाड़ी निकालो। यस बेबी, मैं आ रही हूँ। सिद्धांत के बारे में कुछ बताया नहीं। आप सारी बातें खोद कर निकाल ही लेते हो साहब। जैसे इस परिवार में अदिति बिटिया है, वैसे ही दूसरे परिवार में सिद्धांत बाबा है। वो अदिति से 10 साल बड़ा है और सीरा नायर कंपनी का वारिस है। अशोक साहब के देहांत के बाद अनु मेम साहब ने सारा काम संभाल लिया। बहुत हौसले वाली है। परिवार का नाम बरकरार रखने के लिए वो रात दिन एक कर देती है। अगर पंकज साहब अपनी जिम्मेदारी समझते तो मेम साहब को इतनी परेशानी नहीं होती। गुड मॉर्निंग। ये क्या बकवास है? 6 AM, उठ जाओ। नो। क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ। पागल हो क्या? रेडी हो जाओ। नहीं होंगी, क्या कर लोगे? 15 मिनट्स। गेट लॉस्ट। नहीं किया हमारी कंपनी में आखिर चल क्या रहा है?
मैं 15 दिन यहाँ नहीं थी और माले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो अप्रूव था होल्ड पे चला गया। सिरा नायर ग्रुप ने हमसे 10 करोड़ कम का कोटेशन दिया है। हमारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे गई? मुझे जवाब चाहिए मिस्टर राधाकृष्णन। शाम तक का वक्त है आपके पास। नाउ लीव। यस मैम। प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। चेक होल्ड क्यों करवाए? मुझे हरीश ने बताया कि तुमने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, क्या ये सच है? हाँ बेच, तो क्या हुआ? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे लेते। अगर तुम कंपनी की शेयर्स बेचोगे तो कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी पंकज। हमारे हाथ से नहीं, तुम्हारे हाथ से। जब अशोक जिंदा था तब भी यही रोना था। अगर तुम मुझे उकसाओगे तो मैं सारे शेयर्स सीरा ग्रुप को बेच दूंगा। हे पंकज, तुम्हें होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? अच्छी तरह जान, मैं समझता हूँ। कुत्ते को जैसे हड्डी डाली जाती उसी तरह मेरे सामने पैसे फेंक कर तुम और तुम्हारी लाडली पूरी कंपनी हड़पना चाहते हो। तुमने जो मेरे साथ अन्याय किया है मैं कभी भूलूंगा। And you will pay for it very soon. Guys, hush up! This is amazing! What is it? 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 What is it?
की चीज है, मारना क्यों चाहता है? ब्लैक मार्केट में बेचते, लेकिन इसे खत्म करने का है। उससे क्या फायदा होगा? बेचने पर भी नजर नहीं आएगी, तो नुकसान क्यों करना?
बॉस को तुरंत बताते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बताना ही सही रहेगा। हर छोटी बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे खुद ही निपट लूंगा। रोजाना कितने बच्चे किडनैप होते हैं? तकरीबन 200। अगर लड़का हो तो हाथ पैर तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। अगर लड़की हो तो कोटे पर भेजते हैं। कोई तुम्हारी तरह खूबसूरत हो तो फॉरेनर्स को बेच देते हैं। अगर मुझे आने में देर होती तो पता है क्या होता? तुम्हारी मम्मी की इतनी पहुंच होने की बात भी उन्हें पता नहीं चलता कि तुम कहां। तुम बहुत लकी हो। मुझे पता है तुम्हें अपनी मां से नफरत है, लेकिन तुम्हारे डैड की मौत के बाद कंपनी को, खानदान के नाम को और तुमको बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा है कि एक दिन तुम अपने डैड का नाम रोशन करो। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए पराया हूं, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ। आप पराए नहीं है, मैं जानती हूँ आप कौन है। कैसी हो बेटा?
कहाँ हो? हम एक घंटे में पहुंचेंगे सर। ओके गुड, सब ठीक है? यस एवरीथिंग इज ऑलराइट सर। ओके आई सी यू सर। सब कुछ ठीक है, ईमानदारी बॉडीगार्ड बनेगा। बहादुर, 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 thank you.
हाँ तिवारी, बस मैं पहुँच रही हूँ। मैम कुछ तो गड़बड़ है, हमें अंदर जाना चाहिए। क्या हुआ? घर में ब्लास्ट हुआ था। मतलब? समझ नहीं आ रहा, एक धमाके की आवाज आई और अब चारों तरफ बस धुआं दिखाई दे रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम लोग जहां हो वहीं रुको। कोई एक्टिविटी नजर आ रही है? स्कॉर्पियन मैन दिखा क्या? नहीं मैम, हमने सिर्फ उसे अपने आदमी के साथ जाते हुए देखा, अभी कोई दिखाई नहीं दिया। एक मिनट, वहां कोई है। कहां? मैम अभी अभी दो गाड़ियां स्कर्ट से बाहर निकली, मुझे लगता है दोनों स्कॉर्पियन की है और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और मैम शायद वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। गॉड डैम इट, मेरे पहुंचने तक वहीं रुको, कोई भी अंदर नहीं जाएगा और मुझे अपडेट देते रहना। ओके ओके मैम, श्योर। Thank you.
आदिति, ये प्रिया है, प्रिया मेरी एक्स कॉलीग है। दुबई में हम एक साथ काम करते हैं। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? स्कॉर्पियन मैन, बेस गोवा, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसका मेन धंधा है। काफी अरसे से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं, और जब मुझे पता चला कि ये ऊटी में है तो मैंने अपनी टीम इसके पीछे लगाई। कंपनी नायर ग्रुप पिछले 75 सालों से लाखों परिवारों को रोजी रोटी मुहैया करवा रही है, और यह सिलसिला जारी रहेगा। भले ही हम पर जो मुसीबत आन पड़ी, इसका असर कंपनी के एम्प्लॉय पर नहीं पड़ेगा। कंपनी का कामकाज किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, भले कितनी मुश्किल आए। मैं अपने दादाजी की इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सर, दोनों माँ बेटी एक ही समय अलग अलग हादसे में मारे गए, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? नायर साहब इस वक्त किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। हम डिटेल्स प्रेस नोट रिलीज करेंगे। इन्वेस्टर्स और शेयरहोल्डर्स के लिए कुछ ही दिनों में एक और मीटिंग करनी जाएगी। अभी कोई और सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अदिति का मैसेज है, ये कैसे हो सकता?
नशा करोगे तो ऐसा ही होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा। दिखाओ। फोन बंद पड़ गया है। अब ये अचानक तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? हो गया। देखो देखो देखो, 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 देखो। ये हरीश, मैसेज अभी तो था। कहाँ है? बिलीव मी हरीश, मैंने खुद देखा था। कहाँ गया है? ओह गॉड, पंकज प्लीज, आज के दिन मेरी बात मान लो। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत ही खास है। पेपर्स रेडी हैं। तुम सबसे पहले उस स्पीच पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हें दी है। जहाँ बताया है वहाँ साइन करो, बाकी की चीजें सिद्धांत संभाल लेगा, समझे? सिद्धांत बात तो सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। पिछले 50 सालों से उसकी फैमिली और हमारी फैमिली कोर्ट में केस लड़ रही है। यू नो दैट वेरी वेल हरीश। अगर हमें एकदम से 51% शेयर सिद्धांत को बेचने पड़ गए तो मेरी फैमिली की प्रेस्टीज का क्या होगा? मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा? तुम्हें चाहिए पैसा शराब शबाब जुआ और नशा करने के लिए, और उसे सिर्फ तुम्हारी कंपनी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो उसके पास है, और अगर तुमने उसे वो नहीं दिया तो अन्नू और अदिति की जिस तरह से मौत हुई, तुम समझ रहे हो ना? राइट, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। मुझे तुम इतने बेवकूफ नहीं लगते कि इतना बड़ा खतरा मोल लोगे। शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होने के बाद तुम साउथ ऑफ फ्रांस या स्विट्जरलैंड में जाकर सेटल हो सकते हो, लेकिन अब गहरी सोच में डूबकर अपना दिमाग मत खराब करो। घर जाओ और सो जाओ। गुड नाइट। अनु हमेशा बोलती थी, दौलत और शौहरत खुशियों से ज्यादा हमें दुश्मनी देती है। एक अच्छा पति, प्यारी बेटी और हैप्पी फैमिली, उसे इतना ही चाहिए था, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। अब आगे क्या करना है? उन पेपर्स पर बोर्ड मेंबर्स किसी भी हाल में साइन नहीं करना चाहिए। तुम्हें रोकोगे कैसे विक्रम? चेयरमैन पंकज ने आज बहुत अच्छा फैसला किया है। मालिक हम हैं तो क्यों ना इसे ऑफिशियल कर दें? अगर पता चला कि अदिति जिंदा है तो शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर कोई साइन नहीं करेगा। मेरी जान को खतरा है, मैं आपको बाद में कॉन्टैक्ट करूंगी। ये क्या है मिस्टर हरीश,
मेरा मतलब अदिति जिंदा है, ये बहुत अच्छी बात है मिस्टर हरीश। हाँ, ये वाकई बहुत खुशी की बात है। आप फॉरन कमिश्नर से बात करें और अदिति को बचाएं। उन मुजरिमों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी वही करने जा रहा था। हम इस मर्डर की बात तभी करेंगे जब ये पूरा मामला निपट जाएगा। प्लीज डोंट माइंड। या श्योर। हे, मुझे खुशी है वो जिंदा है। अदिति के जिंदा होने की खबर सुनकर वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसमें रिस्क है विक्रम। एग्जैक्टली, मैं ये जानता हूँ। सिद्धांत, मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे धोखा देने की जरूरत की? मैं ऐसा क्यों करूंगा सिद्धांत? तुझे तुझे मैसेज क्यों भेजा? मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता। तो ये पता कि अब तक अदिति जिंदा क्यों है? काम हो जाएगा। तू किसी काम का है भी या नहीं? मुझसे 5 करोड़ लिए और फिर भी एक ढंग का काम नहीं किया तूने। धमकी का कोई असर नहीं हो रहा, उन्हें खत्म कर दो। ठीक है, ये काम भी निपटा दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता तो ये कैसे करेगा? पर इससे पहले कि पंकज चेयरमैन बोर्ड से हट जाए, मुझे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मर्जर पेपर्स पर साइन चाहिए। ये बहुत मुश्किल है। मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर ये मर्जर पेपर साइन नहीं हुए तो मैं उनकी लाशों से साइन करवाऊंगा। ओके ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो सिद्धांत। 24 घंटे। हाँ हरीश भाई, बोलो। अदिति जिंदा है, क्या तुम ये जानते हो? जानता हूँ। मुझे नहीं आता, आंसर कोई नहीं है। पता क्या, वो मर गया। वो बच निकले। तुम्हें पता होने के बावजूद वो जिंदा कैसे है? अरे पापा हैंडल कर रहे हैं, टेंशन मत लो। तुम देखोगे या तुम्हारे पापा देखेंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अदिति जहाँ कहीं भी हो उसे मार दो। हाँ हाँ, मार देंगे। चल फोन रख। आखिर वो चीज क्या है और हम उससे इतना डर क्यों रहे हैं? वो बस एक बॉडीगार्ड है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया कर। विक्रम, प्लीज डोंट डू एनीथिंग। तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने के लिए कह रही हूँ।
मैंने मौत को करीब से देखा है प्रिया, तुम्हें इसका एहसास नहीं। अगर हमें ये सब रोकना है तो अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना होगा। रेड वेलवेट क्लब में खून का जो सैलाब आया था वो वहीं नहीं थमा था। किडनैपर्स, मर्डरर्स, ब्लैकमेलर्स, गैंगस्टर्स, कोई भी उससे नहीं बच पाया। ढेर लग चुके थे, खून की
नदियां बह रही थी। दौलत, शोहरत, पॉलिटिकल कनेक्शंस, कोई भी इस खून के सैलाब को रोक नहीं सका। पूरा अंडरवर्ल्ड एक हो गया, लेकिन लाशें बिछना फिर भी बंद नहीं हुई। तब जाकर एक बात समझ में आई, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, रहम की भीख मांगना। पूरे अंडरवर्ल्ड ने उसके आगे हथियार डाल दिए। खिलाफ जाता है वो अगली सुबह नहीं देखता, उसका मरना तय है। मैं यहां सब संभाल लूंगा, तुम निकलो। साधु, वो नहीं जानता ये किसने किया है। अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो उसका पहला शिकार सिद्धांत होगा। जाओ, अपने सारे आदमियों को लेकर जाओ, वो जहां कहीं भी हो उसे खत्म कर देना। हो जाएगा। आर्टिकल 62 फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013 में साफ लिखा है कि सिर्फ बोर्ड मेंबर्स की मंजूरी से कोई भी दो कंपनी एक नहीं हो सकती, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 के मुताबिक 1956 कंपनीज एक्ट कंबाइनिंग विद सेक्शन 4 मुझे पता है। और बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो। बाय द वे, तुम आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सर, कोई अदिति है आपसे मिलने की जिद कर रही है। कौन? अदिति, अदिति नायर। तुम्हें पूरा यकीन है? यस सर, आपके पास ही आ रही है। और सर उसके साथ। ओके गाइस, हम सब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वो भी जरूरी है ना? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? काम छोड़ो और निकलो यहाँ से। थैंक यू, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। या थैंक यू, चलिए निकलिए, बाद में मिलते हैं, चलिए।
मैं उससे क्या बोलूं? अरे अदिति, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बच्ची बहुत दर्दनाक। बहुत जल्दी सोच, बोलो क्या है। जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नहीं ओ अदिति, अदिति कैसी हो मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? तुम कौन हो तुम? विक्रम। विक्रम? लाला से पूछो, वो बताएगा। लाला? कौन लाला? देखा, इसे वायलेंस छोड़ने के लिए कहा था, 5 साल पहले इसने मुझे छोड़ दिया। प्रिया। हाँ क्या? क्या है? हाँ ठीक है ठीक है, इस मैटर को हम आपके सामने बैठकर बाद में सॉल्व करेंगे। ये कहाँ है? मैं इसे नहीं जानता, मुझे सच में नहीं पता। यहाँ तो काफी टाइम लगने वाला है। अदिति चलो तुम भी आगे बैठ जाओ, पहले नाक खून निकलेंगे, फिर उसके बाद उंगलियां कटेंगी एक एक करके। तब भी अगर इसने मुंह नहीं खोला तो सिद्धांत। हाँ हरीश, क्या खबर है? ग्रेट न्यूज सर, बोर्ड को बर्दाश्त करने का मुझे एक रास्ता मिल गया। सिर्फ पंकज के साइड से ही हम कंपनी के 51% शेयर के मालिक बन जाओगे। गुड, मैं सोच ही रहा था अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा क्या करूँ। खैर पेपर वर्क छोड़ दो, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर लगेंगे। कहाँ हुआ? 1 घंटे में पेंट हाउस पहुंच जाना है। चल
वो पर है।
आप बोलो तो मैं इसे यही ठोक देता हूँ। मत मारना और बॉस, छोड़ दे उसे। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, हम उसे घेर कर खड़े हैं। इसे मारने का यही सही मौका है। मेरा बेटा उसके कब्जे में है। कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसने बैकग्राउंड चेक नहीं किया। वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज उसे छोड़ दो। उसने मेरी बहन को मारा है, उसे कैसे छोड़ दो? अनुपमा जिंदा है। मैंने उन्हें उसे मारने से रोक दिया था। मैं कैसे यकीन करूं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होगा। पता क्या वो मर गया? वो बच निकले। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं।
ठीक है, संभाल इसे। Yeah!
छोड़कर मैंने गलती कर दी।